बच्चों आज आप पढ़ेंगे मैरीगोल्ड क्लास थर्ड पेज नंबर 15 नीना एंड द बेबी स्पैरोज। आप अपनी पुस्तक खोलिए पृष्ठ नंबर 15 खोलिए। आपको पुस्तक से पढ़ना है, आपको मोबाइल या कंप्यूटर की तरफ नहीं देखना है, वीडियो की सिर्फ आवाज़ सुननी है और जो शब्द आप पढ़ रहे हैं उस पर उंगली रखकर जोर से पढ़ना है। नीना एंड द बेबी स्पैरोज, नीना एंड द बेबी स्पैरोज, नीना और गौरैया के बच्चे, पेज नंबर 15। माई लिटल्स लेट अस स्टार्ट। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। नीना की मौसी की शादी होने वाली थी। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina के घर में बहुत खुशी का माहौल था। Nina की मौसी की शादी होने वाली थी। Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. घर के सभी लोग, नीना, उसके पिता, माँ और छोटा भाई शादी में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. घर के सभी लोग, नीना, उसके पिता, माँ और छोटा भाई शादी में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। Everyone was happy except Nina. Her mother took her to the market to buy a new dress. Nina को छोड़कर सभी खुश थे। उसकी माँ Nina को नई पोशाक खरीदने के लिए बाजार ले गई। Everyone was happy except Nina. Her mother took her to the market to buy a new dress. Nina को छोड़कर सभी खुश थे। उसकी माँ Nina को नई पोशाक खरीदने के लिए बाजार ले गई। What color would you like? Mother asked. माँ ने पूछा, तुम कौन सा रंग पसंद करोगी? What color would you like? Mother asked, माँ ने पूछा, तुम कौन सा रंग पसंद करोगी? I don't want a new dress. नीना ने कहा, मुझे नई पोशाक नहीं चाहिए माँ। I don't want a new dress. नीना ने कहा, मुझे नई पोशाक नहीं चाहिए माँ। Mother said, Nina, सलवार कमीज then. माँ ने नीना से कहा, तो सलवार कमीज ले लो। नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सिर नहीं में हिलाया। मदर सेड, नीना, सलवार कमीज देन। माँ ने नीना से कहा, तो सलवार कमीज ले लो। नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सिर नहीं में हिलाया। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज You saw last week. माँ ने नीना से फिर कहा, उन प्यारे सफेद जूतों का क्या जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे? वे जूते ले लो। What about those lovely white shoes you saw last week? माँ ने नीना से फिर कहा, उन प्यारे सफेद जूतों का क्या जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे? वे जूते ले लो। I don't want those either. Thank you, mother. नीना ने कहा, मुझे वो भी नहीं चाहिए। माँ, आपका शुक्रिया। I don't want those either. Thank you, mother. नीना ने कहा, मुझे वो भी नहीं चाहिए। माँ, आपका शुक्रिया। Nina's mother was upset. But she said nothing. They went back home and had lunch.
नीना की माँ परेशान थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नीना और उसकी माँ घर वापस आ गए और दोपहर का भोजन किया। Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. Nina ki maa pareshan thi, lekin unhone kuch nahi kaha. Nina aur uski maa ghar wapas aa gaye aur dopahar ka bhojan kiya. After lunch, mother came and sat near Nina. Dopahar ke bhojan ke baad माँ नीना के पास आकर बैठ गई। After lunch, mother came and sat near Nina. दोपहर के भोजन के बाद माँ नीना के पास आकर बैठ गई। What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? माँ ने पूछा, यह क्या है बच्चे, तुमने सब चीजों को ना क्यों कहा? What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? माँ ने पूछा, यह क्या है बच्चे, तुमने सब चीजों को ना क्यों कहा? Mother, I don't want to go to the wedding. Nina ने कहा, माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती। Mother, I don't want to go to the wedding. Nina ne kaha, maa main shaadi mein nahi jana chahti. But why? Maa ne pucha, lekin kyun? But why? Maa ne pucha, lekin kyun? Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Nina ne kuch nahi kaha. इसके बजाय दो बड़े आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Nina ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय दो बड़े आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet. She said, माँ ने नीना को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, रो मत मेरी बच्ची। Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet. She said, माँ ने नीना को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, रो मत मेरी बच्ची। Why don't you tell me what's bothering you? माँ ने आगे कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? Why don't you tell me what's bothering you? माँ ने आगे कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. Nina ke galon par aur aansu ludak gaye. Usne kaha, mata ji, mere kamre mein almari par goraiye ka ghonsla hai aur ghonsle mein goraiye ke do bacche hain. More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. Nina ke galon par aur aansu ludak gaye. Usne kaha, mata ji, mere kamre mein almari par goraiye ka ghonsla hai aur ghonsle mein goraiye ke do bacche hain. I see, said mother. They are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. माँ ने कहा, मैंने देखा है अभी उनके पंख बढ़ने शुरू हो रहे हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते रहेंगे उनकी भूख बढ़ती रहेगी। I see, said mother.
They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. माँ ने कहा, मैंने देखा है, अभी उनके पंख बढ़ने शुरू हो रहे हैं, और जैसे जैसे वे बड़े होते रहेंगे, उनकी भूख बढ़ती रहेगी. All day long they cry cheep cheep asking for food. I see, said mother. माँ ने कहा, दिन भर वे चीप चीप करते रहते हैं, खाना मांगते हैं. मैंने देखा है. All day long they cry cheep cheep asking for food. I see, said mother. माँ ने कहा, दिन भर वे चीप चीप करते रहते हैं, खाना मांगते हैं. मैंने देखा है. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? Nina ने कहा, अगर हम चले गए तो सारी जगह पर ताला लगा दिया जाएगा और पिता और माता चिड़िया अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? नीना ने कहा, अगर हम चले गए तो सारी जगह पर ताला लगा दिया जाएगा और पिता और माता चिड़िया अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? माँ ने उसे गले लगाते हुए और रोते हुए कहा, ओह नीना, क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? माँ ने उसे गले लगाते हुए और रोते हुए कहा, ओह नीना, क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? Oh Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? Maa ne use gale lagate hue aur rote hue kaha, Oh Nina, kya isliye tum shaadi mein nahi jana chahti ho? Oh Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? माँ ने उसे गले लगाते हुए और रोते हुए कहा, ओह नीना, क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? नीना ने पूछा, ओ क्या हम खिड़की खुली छोड़ सकते हैं? माँ, क्या हम खिड़की खुली छोड़ सकते हैं सच में? ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? नीना ने पूछा, ओह क्या हम खिड़की खुली छोड़ सकते हैं? माँ, क्या हम खिड़की खुली छोड़ सकते हैं सच में? यस यस, वी रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. हाँ हाँ, हम आपका सारा सामान कमरे से हटा देंगे और दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे. यस यस, वी रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. हाँ हाँ, हम आपका सारा सामान कमरे से हटा देंगे और दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे. So, the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. तो घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और पिता और माता गौरैया भी आजादी से आ जा सकेंगे. So, the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too.
तो घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और पिता और माता गौरैया भी आजादी से आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, व्हाइल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट? जरा सोचो नीना, जब तुम शादी में मजे कर रही होंगी तो चिड़ियों के बच्चे अपने घोंसले में अच्छे और मोटे होते जा रहे होंगे। अच्छा विचार है ना? जस्ट थिंक नीना, व्हाइल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट? जरा सोचो नीना, जब तुम शादी में मजे कर रही होंगी तो चिड़ियों के बच्चे अपने घोंसले में अच्छे और मोटे होते जा रहे होंगे। अच्छा विचार है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया। वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? ये एक अच्छा विचार था। जब नीना शादी से वापस आई, पूरे कमरे में दो मोटी मोटी छोटी छोटी गौरियां उड़ रही थी और नीना रोमांचित और उत्साहित थी। इट वॉज अ गुड आइडिया। वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? ये एक अच्छा विचार था। जब नीना शादी से वापस आई, पूरे कमरे में दो मोटी मोटी छोटी छोटी गौरियां उड़ रही थीं और नीना रोमांचित और उत्साहित थी। बच्चों, नीना बहुत खुश थी गौरियां के बच्चों को खुश देखकर। ओके माई लिटल्स, द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।